किस उम्र में शुरू करनी चाहिए एक्टिंग करियर की शुरुआत? आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है, कई सारे लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं। इनफैक्ट दो दिन पहले एक अंकल का कमेंट आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, क्या अब मैं अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकता हूँ? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्टिंग फील्ड में किस उम्र में कॉम्पिटिशन कम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। एक्टिंग फील्ड ही एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप किसी भी उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, आप किसी भी उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर बनने का सपना देखते थे, उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से वो एक्टर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसी एज आती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक्टर बनना चाहते थे लेकिन हमने अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा नहीं किया, अब मेरी जितनी भी उम्र बची है मैं अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करूंगा और सिर्फ एक्टिंग करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल ये भी उठता है कि इस उम्र में क्या मुझे चांस मिलेगा, क्या मुझे काम मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ मिलेगा। 200% की श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपकी एक्टिंग अच्छी हुई, आप टैलेंटेड हुए, तो आपको 200% काम मिलेगा। आपको एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ ताकि आप समझ पाए और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो पाए। आप अपने परिवार में देखिए, क्या आपके परिवार में सबकी उम्र एक जैसी है? नहीं, किसी के भी परिवार में सबकी उम्र एक जैसी नहीं होती है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बूढ़ा होता है, सबकी उम्र अलग होती है। उसी तरीके से एक्टिंग फील्ड में भी सबकी उम्र अलग होती है। अगर आपने कोई सीरियल देखा होगा, फिल्म देखी होगी, वेब सीरीज देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई बहुत बूढ़ा होता है, कोई बहुत जवान होता है, कोई बहुत बच्चा होता है। तो सबकी उम्र अलग अलग होती है। तो इसी वजह से एक्टिंग फील्ड ही एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर सारी उम्र के एक्टर्स को चांस मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिंग फील्ड में किन के लिए कॉम्पिटिशन कम है। 40 के बाद वालों के लिए कंपटीशन कम है और बच्चों के लिए कंपटीशन कम है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 40 के बाद आराम करना पसंद करते हैं और एक्टिंग नहीं करते हैं, इसी वजह से वहाँ पर कंपटीशन कम होता है। अगर आप भी 40 प्लस हैं, आपकी एक्टिंग अच्छी है, आप टैलेंटेड हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको चांस बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इस एज के बाद कॉम्पिटिशन कम है। इसके बाद बच्चों में कंपटीशन कम है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि आप लोग पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद एक्टिंग फील्ड में जाइएगा। अगर आपको ट्राई करना है, आपकी उम्र हो चुकी है 40 के बाद, आपको काफ़ी चांस मिलेगा और बच्चों को भी काफ़ी चांस मिलता है। बस आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।